तुम्हारा ससुर वर आ गया यहाँ पर ना, वो तो नौगांव पे है ना। तो रजाउल भाई मामू कैसा लगा तुमको जगह? अरे भाई क्या लिया? ये सूस लिया है। गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज डे 4 है और देखते हैं आज क्या क्या होता है। आज जा रहा हूँ गुवाहाटी। गुवाहाटी में थोड़ा सा काम है मुझे। मुझे है अजहर रजाउल, तीनों जाएंगे एक साथ। तो मिलते हैं गाड़ी के अंदर। अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, टाइम ज़्यादा है नहीं। अजहर रजाउल आ रहे हैं पीछे, मैं थोड़ा सा स्पीड में आ गया हूँ क्योंकि अगर बस चला गया तो ख़त्म। तो पहले जाते हैं उधर, डायरेक्ट मिलते हैं बस पे। ठीक है भाई गाइस। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी, बस तो 6:30 में है, निकलेगा थोड़ा सा देर से। और अभी फ़िलहाल हम लोग चले हैं ट्रेवलर पे। तो अभी देखते हैं जाके कितने बजे पहुंचते हैं पटन बाज़ार। उधर से बस पकड़ करके हम लोग को जालुकबारी जाना है, तो बने रहे हमारे साथ। और ये है मोटा, हाय गाइस खांडू। यहाँ पर रजाउल करीम है, इसका हंसी। तो चलिए गाइस लेट्स गो। फाइनली हजार भाई, हालत खराब हो गया तुम्हारा। हालत से ज्यादा रजाउल का हालत खराब हो गया और मेरा भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया। अभी पहुंच तो गया यहाँ पर, जगह का नाम है क्या नाम था? हरा 1 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। इधर से टॉम लेना पड़ेगा, उससे जाना पड़ेगा। मतलब अभी क्या करूँ, रोजा रखा है ना, और ऊपर से इतना ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। दिमाग पूरा मतलब घूम रहा है और वोमिटिंग जैसा फील आ रहा है पूरा। मैं तो कर ही दिया था गाइस, मुझे लग रहा था। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं टुकटुक के अंदर। ये अजहर है और एक साइड में मैं और रजाउल बैठे हैं। तो अभी चलते हैं जहाँ पर हम लोग को जाना है। तो ये है उस जगह का बाजार। तो गाइस अभी हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग का जो रहने का जगह है वहाँ पर। और क्योंकि हम लोग इधर आए थे एक जॉब के लिए, हम तीनों को मतलब ट्रेनिंग के लिए इधर रहना पड़ेगा। तो कहाँ पर रहना है वो जगह हम लोग देखने आए हैं फिलहाल। रजाउल कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ससुर वर आ गया यहाँ पर ना, वो तो नौगांव पे है ना। अच्छा चलो, खुलासा तो हो गया आज। जो भी हो खुलासा हो गया तुम्हारा, ये अजहर का है शायद। अजहर तुम्हारा ससुर वारी। तो रजाउल भाई मामू कैसा लगा तुमको जगह? जगह अच्छा है ना? जगह तो बढ़िया है एकदम, लेकिन सुनहरा। लेकिन जॉब जो मिलना मतलब हम लोग आए थे वो हमारे मतलब का नहीं रहा, मतलब अच्छा नहीं है। हाँ मतलब ये काम करके मुझे मजा नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। हाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फाइड नहीं सीख रहा हूँ ना। चलो कोई ना। अजहर हाँ भाई, तुमको कैसा लगा तो? मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए आया था तुम लोगों के लिए। चल झूठा। और अभी मतलब रजाउल जो है वो अभी जाएगा गुवाहाटी में, क्योंकि इसको शू भी खरीदना है। मतलब मेन मोटिव हम लोग का यही था, इधर भी आएंगे और उधर भी मतलब शॉपिंग। ईद आ रहा है सो रजाउल को इसका मामा का है। इसका मामा सेकंड ब्लॉक में तो शायद देखा होगा लोगों ने, सेकंड ब्लॉक में
सेकंड ब्लॉग में तो बोला था कि किसका मामा का शादी है, फर्स्ट ब्लॉग पहला ब्लॉग मैंने बोला था मैंने, उसी का इसका मामा का ब्लॉग है, इसका मामा का शादी है। सॉरी भाई, रोजा रखा है ना भाई, दिस इज द रियल ब्लॉगर। यस ब्रो, तो अभी चलते हैं सीधा गुवाहाटी में, जब रेजाउल कुछ खरीदेगा तभी कैमरा ऑन होगा गाइस, क्योंकि उसके पहले कैमरा ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से आपको भी मज़ा नहीं होगा और मुझे भी। क्या मतलब कि रमज़ान में फास्टिंग करके बोलने के लिए सूख गया गला, तो सूख ही गया है, होंठ भी सूख गए हैं और मुँह भी दुख रहा है भाई, अभी क्या ही बताऊँ। तो चलते हैं सीधा उधर मिलते हैं जहाँ पर रेजाउल खान लोग को बोलेगा कि कैमरा ऑन कर भाई, कैमरा ऑन कर। तो गाइस ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बंदा ये खड़े हो के सो रहा है भाई, मेरे को देख के मतलब खतरनाक सा लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी कैमरे में कैद कर देते और आप सबके साथ शेयर कर देते। इतना वाला भट से निकी है, इतना वाला। तो यहाँ पर हो गया हमारा बस का टायर पंचर, अभी उतर के दूसरे बस से जाना पड़ेगा फिर से पल्टन बाजार में। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि दोनों दिख रहे कहाँ पर फटा है, इन लोग को दिखा नहीं तो ये सब देख रहे हैं कहाँ पे फटा है। तो गाइस हम लोग अभी आए हैं जमा मस्जिद में जो गुवाहाटी के पल्टन बाजार में पड़ता है। ये हम लोग अभी क्योंकि रोज़ा रखा है सबने और आज जुम्मा भी है, तो आज हम लोग ने सोचा कि यहाँ से नमाज़ पढ़ के जाएंगे, क्योंकि नहीं तो नमाज़ नहीं मिलेगा हम सबको। अरे भाई क्या लिया? ये शूज लिया है, लेना तो चाहिए था रेजाउल को लेकिन मेरे को पसंद आ गया, और चाचा का जो मतलब बिहेवियर है वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आप लेना ना भी चाहो फिर भी ले सकते हो। ये बोलते हैं ये 600 का पड़ा है और ऑफर है, अभी ईद का शायद ऑफर देंगे चाचा, ईद के लिए ऑफर है ना, आज कम कर देगा। हाँ कम कर देगा चाचा का दुकान। ये लोकेशन बता दीजिए, लोकेशन कहाँ है? पल्टन बाजार मस्जिद, ये सामने मतलब ये मस्जिद का वाल और इसका जो बाउंड्री एक ही है, तो आप आ जाइए अरे यूट्यूबर। चलो चलो भाई, चलो अभी चलते हैं ट्रेन से। की चैनल वीटू पे चलो, वीटू बाय 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 बाय। क्या रेजाउल को अपने शादी के लिए ये मिल गया है गाइस। दावत इश्क कुर्ता है ये सब, तो इन्हें सब इतना खास जो ज्ञान है वो आई एम जोकिंग। ये सब क्या है? ये भी अच्छा है ना वेडिंग के लिए, 500 का है, ले सकते हो। एक पहन के दिखाओ, तो पहन के सीधा निकल जाना थाने में ना। हाँ थाने में क्यों नहीं, अच्छा लगा रे। अरे बल्ले बल्ले जावा ना, तीनों मिलके ना नाचते घर जाओ अभी अभी अलाउस करके अगर बोला, तीन बच्चे बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, 1:35 हो चुका है ऑलरेडी। हाँ 2:30 में ट्रेन, 2:30 में तो मिल जाएगा ट्रेन, और देखते हैं टिकट मिलता है या नहीं। और बाकी तो ये शर्ट वगैरह है सारे। रेजाउल ब्लॉग कर रहे हो क्या? रेजाउल का चैनल का नाम है, मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा कमेंट करता रहता है, सो आप लोग देख लीजिएगा कितना सारा ब्लॉगर आ गया था। और यह सब सिर्फ ये सब चीज़ें हैं, देख सकते हैं। के लिए टाटा बाय बाय, घर में जाके इफ्तार करते हुए मिलते हैं या फिर इफ्तार के बाद मिलते हैं। अगर आज बारिश नहीं हुआ तो हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे आज। आज भी निकलोगे? आज भी क्या, कल तो निकले ही नहीं। आज निकलेंगे। हाल बेहाल है हमारा। हाँ हम लोग हाल बेहाल है, देखते हैं अगर सोने लगे ना। तुम्हारे लिए दिया मैंने ये, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ये, बोलते गाइस ये है खजाना, यहाँ से डोरेमोन का डोर है। ये कुछ नहीं बनाएंगे, अभी घर जाएंगे। तो टाटा अलविदा, सी यू,
सी यू आफ्टर फ्यू मिनट्स ओके गाइस सो गाइस नाभाव गुवाहाटी स्टेशन आम गुवाहाटी स्टेशन पर ऊल्ग एटो तार नेक्स्ट स्टॉप इज नारंगी क्या कह पा इत क्या रखा अपनी गम ना अपना दर्शन दीजिए क्या हुई दर्शन दीजिए बहुत परेशान हुई अभी खत्म करते हैं क्या हाँ खत्म करते हैं ब्लॉग कर दो एडिट तुम्हारा वाला है मैं तो ऐसा नहीं से बोलता हूँ ना हाँ मेरा ब्लॉग शाम को जब अगर बारिश नहीं होगा तब फोटो होगा और अगर बारिश होगा तो अभी करता हूँ बारिश होगा तो घर पे जाके वो एडिटिंग कर दूंगा तो देखो ना मुंह लटकाया हुआ है किसी का याद आ रहा है इसको बेस्टी का याद आ रहा है ये जागीर पे नहीं उतरेगा समझे समझ गया ये कहीं और उसके अगले वाले स्टेशन पे समझ रहे हो ना तो गाइस उस दिन गुवाहाटी से आने के बाद मैं तो सो गया था मैंने इशा का नमाज भी मतलब वो नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था सारा दिन धूप में बिना खाए पिए ऐसे घूमना ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए मैंने उसके दो दिन बाद मीन्स ये नंबर 4 ब्लॉग है डे 4 का ब्लॉग है और डे 5 और डे 6 का ब्लॉग मैंने बनाया ही नहीं ये आज मैं इंट्रो मतलब लास्ट का जो एंडिंग है वो अभी दे रहा हूँ आज है डे 6 तो मैं ये एंडिंग अभी दे रहा हूँ आप आई विश आप सबको मतलब ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और मेरे जितने भी दोस्त हैं रज़ाउल अज़हर उन सब के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए और क्या ही बताए मतलब मैंने सोचा था कि 100 व्यूज़ आएंगे रेगुलर लेकिन नहीं आ रहे हैं ये मतलब डाल ही नहीं रहा हूँ और कर भी नहीं रहा हूँ बिकॉज मतलब मन भी होना चाहिए क्योंकि 100 व्यूज़ आने से अच्छा लगता है देख के कि आ रहा है कि व्यूअर्स मेरे एक्टिव है सो आई विश कि ये सब फिर से एक्टिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए लास्ट तक देखिए ब्लॉग बिना खींचे हुए बिना स्किप किए और शेयर कीजिए मस्त क्योंकि शेयर करने से मुझे अच्छा लगता है और एक एक शेयर से मुझे मतलब खुशी मिलती है तो आप जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को अपने फैमिली के मेम्बर के हर एक जगह पर पहुँचाइए वीडियो ताकि वो सब भी देख के इंजॉय कीजिए उनके फेस में भी थोड़ा सा स्माइल आए बस इतना ही मेरा कहना है अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे टाटा टेक केयर हैव फन पीस खुदा हाफिज़ जॉय आए अहम